हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है प्रोसेस प्लानिंग, एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर आज मैं एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में मैंने सभी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है, इसलिए फ्रेंड्स आप भी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखे दिख रहे होंगे, ये चैप्टर है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उससे रिलेटेड है, तो उनको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल बताता हूं। लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट, पहला फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट का, जिसको बोलते हैं प्राथमिक लागत। इसको निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अगर हमें पता है तो हम प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। जब प्राइम कॉस्ट निकल आती है तो फिर हम इसके बाद निकालते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है तो हम प्राइम कॉस्ट ऊपर निकालते हैं उसको रख देते हैं, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए रहते हैं उसको रख देते हैं। जब फैक्ट्री कॉस्ट निकल आती है तो फिर हम निकालते हैं ऑफिस कॉस्ट। तो ऑफिस कॉस्ट निकालने के लिए हमें फैक्ट्री कॉस्ट मालूम होना चाहिए, जो ऊपर निकाल चुके हैं उसी को नीचे रख देते हैं, फिर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसको रख देते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट, या उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की टोटल लागत आती है उसे बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ये होती है ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस आते हैं सेलिंग बेचने में, वो इसके अंदर प्लस हो जाते हैं। इसके बाद निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे इस पे बेचेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट रहती है प्लस हम इसमें प्रॉफिट कर देते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस। कई बार प्रॉफिट पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में को माइनस करते हैं किसमें से, सेलिंग प्राइस से, तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले कॉमन है, इन पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं नीचे बता रहा हूँ, उनको भी आप समझ लें। तो फ्रेंड्स नीचे न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, ये सभी वाई न्यूमेरिकल है, जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में या फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो उसी वही टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जिसमें लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट वह 4000 है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 5000। 5000 कौन सी है, जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है, लेकिन जो हम सेल कर रहे हैं जिसमें हम बेच रहे हैं वो कितनी है, 6000। और पूछा क्या उसने, प्रॉफिट पूछा। तो हम जानते हैं ऊपर हमने फॉर्मूले बता चुका हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होते टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर देख रहे हो कितनी है, 5000 यहाँ रख दी, प्लस प्रॉफिट रख दिया, और जो जिस पे हमने बेचा है वो कितना है, 6000। इसको रख के बाद हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को इधर लाया तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया, 1000 रुपए। इस तरह 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो 1000 होगा उसमें हम टिक कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जिसमें लिखा हुआ है जो हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगा कितनी है, 10000 है, बट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 6000, एंड सेलिंग ऑन कॉस्ट कितनी है, 1000। तो जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है और सेलिंग कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी, जबकि बेचा कितने में हमने, 10000 में। तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 10000 गिवन है उसको रख दिया, टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पर दिख रहे 5000 प्लस 1000, तो कितनी हो जाएगी, 7000। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालेंगे तो इस जो 10000 में से 7000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। तो 3000 वाला जो ऑप्शन होगा उस पर हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हिंदी में लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट से लिया है मैंने। लिखा हुआ है एक फैक्ट्री है जिसमें क्या है, एक महीने में 200 शाफ्ट बनाती है। फैक्ट्री का जो हमारा एक महीने का कुछ यहाँ पर जो खर्चा दिया हुआ है, कितना खर्चा आता है प्रोडक्ट को बनाने, 200 प्रोडक्ट बनाने में कितना आता है, कितना, 1200 रुपए आता है प्रोडक्ट के ऊपर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है उसमें 400 रुपए आता है, और जो हम बैंक को इंटरेस्ट लौटाते हुए कितना आता है, 400। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रत्येक शाफ्ट की जो लागत निकालते हुए होता है, फैक्ट्री की कुल लागत अपॉन एक माह में जो शाफ्ट की संख्या हुआ है, तो फैक्ट्री कुल लागत कैसे निकलेगी, जो यहाँ पर लागत दी है उसी को हम ऐड करते हैं। तो कुल लागत निकाल ली यहाँ पर ऐड करके कितनी आई, 2000, और जो हमारी एक माह में कितनी शाफ्ट बना रहा है, 200। तो उसको अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमने क्या रख दिया, 2000 बटे 200, इसको एक दूसरे से कट कर दिया तो कितना रुपया आएगा, 10 रुपए, मतलब जो ऑप्शन में 10 होगा उसको हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, एक वस्तु का जो हमारी
क्रय मूल्य, ये क्रय करने का वो कितना है 70, और उसका जो उत्पादन व्यय कितना है 40 रुपए। आगे बोला है जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक बोलते हैं, विक्रय व्यय उत्पादन व्यय का कितना 20% या 10% हो, तो उसका क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो विक्रय मूल्य लिख लिया, उत्पादन व्यय लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रशासनिक व्यय निकालना है। तो 20% उत्पादन व्यय का, उत्पादन व्यय कितना दिया 40, 40 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर 20% काटेंगे तो 100 का डिवाइड हो जाएगा इंटू 40, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 रुपए। इस तरह हम विक्रय व्यय निकालेंगे कितना 10% उत्पादन व्यय का, तो इस पे 10 का परसेंटेज हटाएंगे, 100 डिवाइड कर देंगे इनटू कितना है 40 का है, 40 में इसको कट कर देंगे एक दूसरे से, कितना आ जाएगा 4 रुपए आ जाएगा, 4 रुपए आएगा। अब हम करेंगे टोटल लागत निकालेंगे, टोटल लागत हम जानते हैं कुल लागत कितनी होगी, जो यहाँ पर 40 दी, 8 दी, 4 दी, ये चारों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगी प्लस लाभ। ऊपर फॉर्मूला बता चुके सेलिंग प्राइस का, वही फॉर्मूला सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिए 70, ये फॉर्मूला इनपुट कर दिया और हमने एक दूसरे को प्लस माइनस करके क्या कर दिया 18 रुपए प्रॉफिट निकाल लिया। आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है 20% उत्पादन व्यय का दिया, जबकि उत्पादन व्यय कितना दिया है 40 रुपए दिया हुआ है, तो 40 में हम कितना करेंगे 20% निकालेंगे, तो कितना आया 8 रुपए। इस तरह दिया है विक्रय व्यय दिया है 10% उत्पादन व्यय का, मतलब 40 का ही 10% विक्रय व्यय है, तो उसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह फिर हम तीनों को ऐड करके टोटल लागत निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है ओवरहेड एलोकेशन, जिसके मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिक लागत का परसेंटेज निकालते हैं, तो टोटल ओवरहेड्स अपॉन क्या होता है टोटल प्राइम कॉस्ट इनटू 100 करते हैं, तो इससे हम क्या निकालते हैं जो भी परसेंटेज है प्राइम कॉस्ट का वो निकाल लेते हैं। इस तरह क्या होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का निकालना, तो टोटल ओवरहेड्स रहते हैं बटे क्या होगा टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला निकालते हैं टोटल ओवरहेड्स बटे टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। इससे निकालते हैं, अगर ऐसा डाटा गिवन है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, एक दो न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा इसके एग्जांपल। मैन आवर रेट्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट मैन आवर जितने भी दिए हो। अब नेक्स्ट बचे हुए फॉर्मूले उनको देखते हैं, नेक्स्ट है मशीन आवर रेट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल प्रोडक्टिविटी मशीन आवर्स। इसी तरह ये यूनिट रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में जितनी टोटल क्वांटिटी हमें मिल रही है। तो ये सारे फॉर्मूले से, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है इन फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल देखते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिए हैं उनके ऊपर। तो एक न्यूमेरिकल दिया, लिखा है इन अ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग वन ईयर वाज 50,000, वेयर हाउस द टोटल ओवरहेड्स एक्सपेंसेस वर 1,25,000, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालना, जिस तरह का डाटा दिया है मतलब जो टोटल ओवरहेड्स दिया जो हमेशा ऊपर लिखते हैं कितने दिए 125,000, जबकि यहाँ पर जो व्यय जो एक ईयर का जो टोटल मटेरियल कॉस्ट पे खर्चा रहा हुआ है कितना दिया 50,000। तो हम क्या करेंगे टोटल ओवरहेड्स अपन 50,000 कर देंगे, जो भी यहाँ कैलकुलेशन से आएगा वो यहाँ पर आंसर रख देंगे। अब इस तरह का नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी तरह का दिया, दिया है द टोटल ओवरहेड्स ऑफ एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ईयर, ईयर इतने में क्या कर रही इतने इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है खर्चा आ रहा है, द टोटल वेज पेड टू द डायरेक्ट लेबर, लेबर को डायरेक्ट कितना पेड कर रहे हैं 40,000, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन कॉस्ट टू बी चार्ज ऑन ईच प्रोडक्ट। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरहेड्स जो ऊपर आएंगे और जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कहां आएगी नीचे आएगी, जो ऊपर फॉर्मूले बता चुका हूं मैं उसी पर आधारित सारे न्यूमेरिकल है। तो यहाँ जो भी वैल्यू दी उसको यहाँ पर रख दिया, देख रहे हैं आप इनको जब कैलकुलेट किया 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 25%, जो भी ऑप्शन में 25% होगा उस पर हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है एक उत्पादन संस्था इतनी इतनी मशीनें प्रतिवर्ष बनाती है, ऊपरी लागत प्रतिवर्ष कितनी इतनी है, ऊपरी लागत की प्रति इकाई दर ज्ञात कीजिए, जो पर यूनिट वाला लास्ट वाला फॉर्मूला था उसी पर आधारित है, कुल ऊपरी लागत अपन कुल मशीनों की संख्या। तो ऊपरी लागत यहाँ पर देख रहे हैं ये दी गई, इसको ऊपर रख दिया, कुल मशीनों की संख्या रख दी, एक दूसरे से क्या किया हमने कट कर दिया, तो कितना 100 रुपए आ गई प्रति इकाई की जो ऊपरी लागत है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया एक उद्योग में ऊपरी लागत की मशीनिंग जो आवर्स रेट है वो 1.25 है, यदि समान परिस्थितियों में इस वर्ष ऊपरी लागत इतनी इतनी अनुमानित हो तो 40 मशीनों के लिए कुल कितने घंटे लगेंगे, क्या कह रहा है 40 मशीन के लिए, ये एक उद्योग में ऊपरी लागत नहीं है। तो सबसे पहले हमें वर्ष में कुल मशीनिंग आवर्स निकालने पड़ेंगे, मशीनिंग आवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो ऊपरी लागत है बटे जो मशीन आवर्स दर है उसको रख दिया, तो इसको इसमें जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। अब हमें 40 मशीनों के लिए कार्य हेतु कितने घंटे की आवश्यकता पड़ती है,
ये कितने के लिए जो पड़ी हमें जो कंप्लीट पूरा काम हो रहा है 40 मशीनों के लिए निकाला तो हम 40 का डिवाइड कर दिया कितने आ रहा है 400 आवर्स। तो न्यूमेरिकल भी समझ में आया, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं। ऊपरी लागत को आपको याद रखना है, उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जो अदर डाटा दिया है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि ए क्या कंप्लीट एक के लिए दिया रहता है, फिर हमें जब 40 के लिए निकालते हैं तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए हमने क्या 40 का डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल ने लिखा है एक संस्थान में एक वर्ष के लिए प्रत्येक श्रम व्यय कितना है, इतना है, कुल ऊपरी लागत इतना है। तो जैसा मैंने बताया ऊपरी लागत हमेशा कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे, जो लेबर रेट वो कहाँ रख दिया नीचे रख दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इसमें डिवाइड करके कैलकुलेट किया 31.25% आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल, जिसके फॉर्मूले पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर का होता है 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो एल इक्वल टू होता है आर थीटा, तो हम आर थीटा की जगह यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं 1/2 एल इंटू आर, आर रेडियस है, थीटा एंगल है, एल क्या लेंथ है, जो आर्क वाली, ये सेगमेंट ऑफ सर्कल एरिया का होता है 2/3 इंटू एच इंटू एल। इसी तरह एरिया ऑफ फ्लैट, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एरिया ऑफ फ्लैट पे, तो इसका याद रख लेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - π/4। इस पर न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूले को आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्थ नंबर का। अब इसके और फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ इलिप्स, ये होता है पाई ए इंटू बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, फ्रस्टम ऑफ कॉन वॉल्यूम होता है, इसको भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक नंबर का, इसको भी याद रख लें, ये होता है पाई एच बाई थ्री R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, क्या होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 R2 क्या है, रेडियस है इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसके बाद ये फ्रस्टम ऑफ कॉन है, हम जानते हैं शंकु का जो कटा हुआ भाग होता है वह होता है, एच क्या होती है उसकी हाइट होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, पाई बाई फोर इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू R³, R³ क्या है रेडियस है। अब नेक्स्ट बचे हुए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ याद रखना है, सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है π/4 d² × L, ये वाला वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना है। कौन पर भी कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, सिस्टम ऑफ कौन पर भी पूछे जा सकते हैं, तो ये तीन चार जो सामने फॉर्मूले दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें। नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट ऑफ स्पेयर, ये होता है π h² / 3 r - h, इस तरह वॉल्यूम ऑफ सेक्टर ऑफ स्पेयर होता है 2/3 π r² × h, ये वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग का होता है 2 π² × r² × r l। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए उन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बासार, एक बासार है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है मेड फ्रॉम अ सीट, एक सीट का बना हुआ है, इसकी थिकनेस कितनी 2 mm, इनर एंड आउटर डायमीटर दिए 10 mm एंड 16 mm, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है। वॉल्यूम हम जानते हैं कोई भी सर्कुलर चीज है और अगर मोटी है पाइप की तरह तो क्या होता है सिलेंडर की तरह होता है, और ये होलो सिलेंडर हो जाएगा क्योंकि इनर और आउटर रेडियस दिए, तो फॉर्मूला हो जाता है π/4 d² - d² × l हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 16 और 10, इसको डायरेक्ट रख दिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको कैलकुलेटर से, तो 245 mm³ आ जाएगा, लगभग ऑप्शन में 250 mm दिया है, तो उसमें हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ लीड, एक लीड है उसका वेट निकालना है, जिसमें क्या दिया है 3.5 मीटर लॉन्ग पाइप है, एक्सटर्नल डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर दिया है, थिकनेस 2 एमएम दिया है। इसमें याद रखते हैं जो भी हमारा ये डेंसिटी दी है ग्राम पर सीसी, इसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसमें सीसी में दिया है तो सभी यूनिट को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। हम लेंथ हम जानते हैं किसमें दी, मीटर में दिया, मीटर में दिए 3.5 मीटर, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्सटर्नल डायमीटर दिया 2.4 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। एक्सटर्नल रेडियस जो हमारे इसका डायमीटर को हमें रेडियस में निकालना, क्यों निकालना मैं बताता हूँ, एक्सटर्नल रेडियस अगर इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। थिकनेस दिए 2 mm, अब mm में दिया है तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो इसमें हम 10 का भाग दे देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल रेडियस तो है लेकिन इंटरनल रेडियस नहीं है, तो इंटरनल रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सटर्नल रेडियस है उसमें हम थिकनेस का माइनस कर देंगे, थिकनेस का माइनस करेंगे तो हमारी इंटरनल रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया R1 - t, R1 की वैल्यू 1.2 है जो यहाँ रख दी,
और थिकनेस 0.2 है, उसको रख दिया, एक दूसरे से माइनस किया तो आर टू इक्वल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। आर टू मतलब इनर रेडियस। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनर रेडियस की आवश्यकता पड़ी क्योंकि यहाँ पर थिकनेस दी है, ठीक है, एक होलो पाइप है जिसकी थिकनेस दी है। इनर अगर डायमीटर, इनर का हमें रेडियस या डायमीटर निकालना है तो हमें उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस से थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा जब हमारी इंटरनल रेडियस निकलेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरनल और आउटर रेडियस निकाल ली, तो जो हमारा वॉल्यूम का, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर डी वन स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर इंटू एल, उसको अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से 4 कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है पाई ब्रैकेट के अंदर आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर इंटू एल। आर वन आर टू क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस। ये सारी वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ पर पुट कर दी और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये वॉल्यूम आ गया 484 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं, याद रखें, कभी भी वेट पूछते हैं किसी भी चीज का तो वॉल्यूम में हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है उसका वेट। तो वॉल्यूम कितना दिया है, 484 × 11.4 क्या दिया है, डेंसिटी दी है, 11.4 डेंसिटी रख दी है, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या है, ग्राम में है तो ये ग्राम में आ गई है क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर से यहाँ पर ये क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ग्राम से क्या क्या केजी में चेंज करना, तो इसमें हमने क्या किया 1000 का डिवाइड कर दिया तो 5.5 केजी क्या आ गया, इसका वेट आ गया। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल पूछी जा सकते हैं तो ये एग्जांपल के लिए लिया गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, कई बार थ्योरी एग्जाम में पूछा गया, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, एक डायग्राम दिया, 50 मीटर्स ऑफ स्टील चेन दी है, उसके बारे में पूछा गया, आगे मैं सॉल्व करके बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसकी इनर जो हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी है, तो इफेक्टिव लेंथ निकालने का तरीका होता है जो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी उसको, और सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस दी, इसका डायमीटर ना दिया हो, इसका इसका है, सिर्फ अंदर की, तो इंटरनल डायमीटर, इंटरनल रेडियस कितनी दी 2, इधर की इंटरनल रेडियस कितनी दी 2, तो हम अंदर अंदर की पूरी कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 रख दिया 2 इधर रख दिया 2 इधर, तो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई, तो टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो अगर इफेक्टिव लेंथ ओनली पूछा है तो 8 बारे पर टिक कर देंगे हम, ठीक है। यदि पूछता है मीन लेंथ ऑफ स्टील रॉड, तो मीन लेंथ कैसे निकालते हैं देख लें, सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे टोटल, तो यहाँ पर लिखा 4 + 4 + 2πr, 2πr क्या है, जो यहाँ पर सर्कुलर बना इसकी जब हम क्या सर्कमफेरेंस निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तो क्या हो जाएगी 2πr, तो 2πr हो गया, यहाँ पर 4 + 4 हो गया, ठीक है, 4 क्या हो गया यहाँ पर, ये जो लेंथ दी है इधर की और इधर की, क्योंकि हम टोटल लिंक निकाल, लिंक का अपन लेंथ निकाला मीन जी यहाँ टोटल की, तो 4 इधर का हो गया, 4 इधर का, तो 4 + 4 हो गया, और जी ये दिया, इसके क्या निकालेंगे हम, इसकी सर्कमफेरेंस या परिधि निकालेंगे 2πr। r क्या होती है, इसकी मीन रेडियस होती है, मीन रेडियस निकालने का तरीका होता है जो इसकी रेडियस दी प्लस इसकी हाफ रेडियस, ये जो मोटा पाइप है, ये मोटा दिख रहा है, इसकी रेडियस कितनी दी है, हम वैसे निकालेंगे तो टोटल कितनी है 6 दी है, यहाँ पर देखेंगे ये 4 दी गई, 6 में 4 कितना 2 बचेगा, तो 1 इधर का हो जाएगा, 1 इधर का, इस तरह कितनी रेडियस है, 1 रेडियस है, 1 रेडियस है यहाँ पर, तो हम क्या रख देंगे 2 + 1/2, क्योंकि आधी निकालना है मीन रेडियस, तो 2 + 1/2 इस पाइप की कितनी हो जाएगी आधी, और जी हमारी टोटल 2 + 1/2 कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसको मैंने इस आर की जगह रख दिया मीन रेडियस, इसको कैलकुलेट किया तो मीन इफेक्टिव स्टील की रॉड आ गई 23.7। अब 50 मीटर लेंथ के लिए हमें वेट निकालना है और लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वो हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर चेन के लिए, कितनी नंबर ऑफ लिंक्स की जरूरत पड़ेगी, इसको निकालते हैं हम, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है उसके अकॉर्डिंग 50 मीटर चेन होगी, जबकि 8 सेंटीमीटर क्या है, जो इफेक्टिव लेंथ है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने क्या किया, ऊपर की मीटर है तो नीचे की भी मीटर में कन्वर्ट कर ली, 100 का डिवाइड किया, जब इसको कैलकुलेट किया तो 625 हमारे टोटल 50 मीटर की चेने आ गई। अब इतनी चेने आई तो हमें टोटल लेंथ ऑफ स्टील रॉड निकालना है 50 मीटर चेन की, तो हमने जो मीन लेंथ निकाली थी 23.4, इसको हमने जितनी लिंक है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इतनी सेंटीमीटर चेन की आई। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेट, वेट हम जानते हैं डेंसिटी इंटू टोटल, क्योंकि ये पर सेंटीमीटर लेंथ दी है इसलिए हम टोटल लेंथ रखेंगे, टोटल लेंथ रखी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको एक दूसरे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 6.6 गिवन है क्वेश्चन में, ये मल्टीप्लाई करके इसमें आया ग्राम में आया। अब हमें केजी में कन्वर्ट करना, तो हमने 1000 का डिवाइड कर दिया, तो कैलकुलेट किया 9.776 केजी आ गया, ये अगर ऑप्शन होगा टिक कर देंगे। तो हमने बताया मीन इफेक्टिव लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने बता दिया इनर की जो जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे जैसे मैंने बताया था ऊपर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट है एस्टिमेशन इन मशीन शॉप से रिलेटेड फॉर्मूले, ये बहुत सारे फॉर्मूले, इनको याद कर लेना आपको, इस पर न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा।
लिखा है कटिंग स्पीड, कॉमन फॉर्मूला है एस एच कल टू पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। याद रखें डी डी क्या है, मिलीमीटर में, तब हम 1000 का भाग देंगे। यदि डी सेंटीमीटर में लेंगे तो हम कितने का यहाँ से 100 का भाग देंगे। याद रखें डी मिलीमीटर में होगा, एमएम में होगा तो हम 1000 का भाग देंगे, अगर डी सेंटीमीटर में होगा तो हम 100 का भाग देंगे। ठीक है, आगे टाइम ऑफ टर्निंग होता है, उसके लिए टाइम निकालना है, टी इक्वल टू एल अपॉन एन एफ होता है। एल क्या होती है, जो भी टोटल लेंथ है, एन क्या है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, अगर डायमीटर दिया है और स्पीड दी है तो यहाँ से हम एन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या हुआ है, एमएम पर रिवॉल्यूशन दिया जाता है, इसमें रख के हम टाइम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है फेसिंग का टाइम, फेसिंग का टाइम कैसे निकालते हैं इसको भी बता देता हूँ फॉर्मूला, और कटिंग टाइम भी देख लेते हैं इसका। तो ये है फेसिंग का टाइम, फेसिंग का टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डायमीटर ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस का जो डायमीटर दिया है बटे टू। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बटे, अगर ओनली फेसिंग की लेंथ पूछी है तो डायमीटर बटे टू कर देंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन फेसिंग का समय पूछा तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है डी वाई 2 into n into l, d by 2 into n into l, n क्या जो rpm में हम speed के थ्रू निकाल लेते हैं, f क्या feet, mm per revolution दिया रहता है, d क्या है diameter। अब दोनों facing में लगा समय, अगर एक facing की बात कर रहा है या कुछ नहीं पूछा गया तो इसी formula का use करेंगे, लेकिन दोनों face special लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसी formula में 2 का multiply कर देंगे जो यहाँ पर कर दिया। अब इसी के और formula की बात कर लेते हैं, next formula है drilling से related। यहाँ पर देखा है ड्रिलिंग क्या समय निकालने का फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू एल वाई एन इंटू एफ। अब एल क्या है थ्रू, जब हमारा थ्रू हॉल हो मतलब आर पार हॉल हो तो एल जो निकालने का तरीका होता है जो यहाँ पर रखेंगे वो निकालेंगे एच प्लस टू एक्स से, लेकिन एल ब्लाइंड हॉल है तो फिर एच प्लस एक्स से निकालेंगे। यहाँ पर एच और एक्स क्या होता है देख लेते हैं, एक्स निकालने का जो एक्स यहाँ पर रखेंगे उसको निकालने का तरीका होता है 0.29 इंटू डायमीटर ऑफ द हॉल, उनका डायमीटर के बन आएगा उसमें 0.29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे एक्स की वैल्यू निकाल आएगी जो कि यहाँ पर रख देंगे। या चौथी होल की गहराई डेप्थ ऑफ दी रहती तो उसको यहाँ रख देंगे, इससे एल निकालेंगे एल को यहाँ रख देंगे। इस तरह यहाँ पर एक्स जो निकाल आएगी उसको भी जो भी निकले उसको यहाँ रख देंगे, अगर ब्लाइंड हॉल है उसको यहाँ रख के निकालेंगे। याद रहा है ये एल निकालने का तरीका, अगर थ्रू हॉल के बारे में पूछा गया तो इस फॉर्मूले से एल निकाल लेंगे, एक्स यहाँ से निकाल लेंगे 0.29 इंटू डायमीटर से। ठीक है, ब्लाइंड हॉल के बारे में पूछा गया तो एल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बकाया एन होता है आरपीएम में ही होता है, आरपीएन लिख गया तो गलती से एन की जगह एम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एफ क्या होता है फीड, एमएम पर रिवॉल्यूशन। याद रखें कई बार ए आरपीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है क्या होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला थ्रेडिंग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टी इक्वल टू होता है वन बाय पिच या लीड इनटू एन, और नंबर ऑफ कट जितने पूछा गया उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ कट या कटों की संख्या बोलते हैं, एल अपॉन पिच या लीड, क्या होती है यहाँ पर पिच या लीड इनटू एन, एन वही आरपीएम में रहता है, टोटल लेंथ इसमें जो एल की जगह रखते हैं होता है एल प्लस सेवन, सेवन टूल अप्रोच या टूल ओवर ट्रेवल होता है, एल प्लस सेवन रख के हम यहाँ पर एल रखेंगे। ठीक है, एल की जो भी वैल्यू दी है उसमें सेवन का प्लस करके रखेंगे, लेकिन एमएम में है सेवन, याद रखें। चूड़ी का पिच, डायरेक्ट पिच निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाता है कई बार, तो चूड़ी की संख्या पर एमएम में दी रहती है तो यहाँ पर रख देंगे, वन में डिवाइड कर देंगे तो पिच डायरेक्ट आ जाएगी, न्यूमेरिकल पूछा गया तो पिच निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे तो टाइम निकाल लेंगे। याद रखें न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा आ जाता है m 24 इंटू टू ऐसा लिखा आ जाता है, तो 24 याद रखें क्या होता है डायमीटर होता है, 2 क्या होती है पिच होती है, तो डायमीटर क्या होता है 24, 2 क्या होती है पिच होती है, इसको आप याद रखें। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है टैपिंग के लिए, उसकी भी बात कर लेते हैं। टैपिंग का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, टैपिंग में लिखा हुआ है जो इसका समय निकालने का फॉर्मूला होता है, टैपिंग द्वारा चली गई दूरी n इंटू पिच होता है, इसका कंप्लीट जो फॉर्मूला बनता है वो टी इक्वल टू होता है 2/3, क्या होता है 2/3 इनटू एल प्लस डी बाई टू एन इनटू पी, एल होती डेप्थ ऑफ हॉल, डी होता डायमीटर ऑफ हॉल, पी होती पिच, एन होता आरपी, इससे हम निकाल सकते हैं। अब कुछ बचे हुए फॉर्मूले उनकी बात कर लेते जल्दी से। ये फॉर्मूला है शेपिंग के लिए, शेपिंग में लगा समय होता है एल प्लस 50 बी प्लस 25 अपॉन 600 इनटू सी इनटू एफ, ये होता बी विड्थ होती है, एल लेंथ होता है, सी कटिंग स्पीड होती है, एफ होता है एमएम पर स्ट्रोक। प्लानिंग में फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू एल प्लस 250 बी प्लस 50 बटे 750 इंटू एफ इंटू सी। नेक्स्ट फॉर्मूले बचे हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मिलिंग में लगा समय, टी इक्वल टू होता है एल इंटू एन इंटू एफ, यहाँ पर कटिंग ऑपरेशन के लिए जो टूल अप्रोच निकालते हैं वो होता है रूट के अंदर डी ब्रैकेट के अंदर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। फेसिंग ऑपरेशन में लगा समय होता होता टूल ओवर ट्रेवल डी माइनस रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले यूज होंगे इस चैप्टर में। अब कुछ न्यूमेरिकल है इसकी उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो न्यूमेरिकल आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित है, इसमें पूछा है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे गए हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। लिखा है इन फेसिंग अ 4 सेंटीमीटर रॉड
एक 4 सेंटीमीटर डायमीटर की रॉड है, लेंथ ऑफ कट निकालना है हमें, ठीक है। लेंथ ऑफ कट निकालना कितनी कट है, तो स्पेसिंग में काट की जो लेंथ निकालते हुआ होता है डायमीटर ऑफ वर्कपीस अपॉन 2 होता है। डायमीटर कितना दिया, 4 दिया, 2 का डिवाइड कर देंगे 2 सेंटीमीटर आया। इस तरह के शॉर्ट न्यूमेरिकल हमेशा पूछे आते हैं। यहां लिखा 4 थ्रेड्स पर mm आर टू बी कट, 10 mm लॉन्ग स्क्रू, 1.10 mm लंबे स्क्रू पर 4 थ्रेड्स काटना है, तो उसकी पिच का निकालना। पिच का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, पिच इक्वल टू होता है 1/नंबर ऑफ थ्रेड्स पर mm। 1/4 दिया, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर एमएम रख दिया, तो 4 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.25 mm आ जाएगा। इसी के आसपास जो भी टिक वहां पर ऑप्शन दिया होगा उस पर हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा कटिंग स्पीड ऑफ 31.42, कटिंग स्पीड दी यहाँ पर दिख रहा होगा एस इक्वल टू मीटर पर मिनट, हैज बीन चूजन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर डायमीटर रॉड का डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सर्कल पर मिनट विल बी स्पिंडल हैव बीन रोटेट्स, पूछ रहा है वो जो आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट वह कितनी स्पीड से मूव करेगा, तो मतलब कैपिटल एन निकालना है। स्पीड दी एस इक्वल टू 31.42 मीटर पर मिनट, इसकी यूनिट भी कई बार पूछ ली जाती है स्पीड की, तो क्या होती है मीटर पर मिनट। तो कटिंग स्पीड यहाँ पर लिखा है, गमन लिख लिया, डायमीटर हम सेंटीमीटर में ले रहा है, आर को निकालना है, तो हम जानते हैं कटिंग स्पीड क्या होता है पाई डी एन अपन 1000, कब, जब डायमीटर एमएम में दिया हो। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो हम कितना करते हैं पाई डी एन अपन 100, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है डायमीटर, 100 का डिवाइड कर दिया, सारी वैल्यू पुट कर दी, हमें इस एन को निकालना, तो एन इक्वल टू करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, पाई नीचे आ गया, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो 1000 आरपीएम आ गया रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वेल्डिंग शॉप से रिलेटेड, ठीक है। वेल्डिंग के न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं और कंसेप्ट बेसिस होते हैं, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की, लिखा है लेबर कॉस्ट विल बी पर मीटर वेल्ड लेंथ इफ वेल्डिंग स्पीड 10 मीटर पर आवर एंड लेबर रेट कितना है 10 रुपए पर आवर, ठीक है। पूछ रहा है लंबाई की जो हमारी लेबर कॉस्ट वाई निकालना, लेबर कॉस्ट नॉर्मली निकालने का फॉर्मूला होता है हम अपने कंसेप्ट से लगा, तो लेबर रेट जो रेट है इंटू 1 मीटर लेंथ में लगा समय, मतलब जो प्रति मीटर वेल्ड क्वेश्चन में दिया है इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 मीटर लेंथ में लगा समय इंटू क्या लेबर रेट, क्योंकि यहाँ पर लगा समय क्यों निकाला, लेबर रेट दिया है पर आवर से, मतलब समय के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट दी है। तो सबसे पहले वेल्डिंग स्पीड देख लेते हैं, जो डाटा गिवन है क्या लिखा 10 मीटर पर आवर, इसका मतलब होता है 1 घंटे में कितनी वेल्डिंग की जाती है 10 मीटर की जाती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 आवर्स में तय की गई वेल्डिंग की दूरी कितनी है 10 मीटर। अब अगर हमें 1 मीटर में कितनी 1 मीटर लेंथ में लगा समय निकालना है, तो 10 कहाँ हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मीटर में लेंथ में लगा समय 1/10 आवर्स हो जाएगा, तो मतलब 1 मीटर लेंथ में हमें निकालना था समय कितना आ गया 1/10 आवर्स। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में 1 मीटर में लगा समय कितना आ गया 1/10 आवर्स, इसको यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर रख दिया है, और लेबर रेट जो क्वेश्चन में दिया है 10 रुपए पर आवर्स, तो उसको रख दिया, यहाँ पर आवर्स से आवर्स कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 रुपए। ऐसे कॉन्सेप्ट बेसिस इनको सीखना पड़ता है। अब नेक्स्ट वेल्डिंग से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड, 20 एम्पियर एट 50 वोल्ट ₹1 per kW विल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पर आवर्स, ठीक है। इस पूछ रहा है जो भी हमारा विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसको निकालना है, तो हम पावर निकालने का जब इलेक्ट्रिसिटी खर्चा निकालना तो हमें पावर कितनी कंज्यूम हो रही है निकालना पड़ता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, वी क्या होता है वोल्ट, आई क्या होता है एम्पियर में होता है जो करंट होता है, तो देखेंगे यहाँ 200 और 50 दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने कितना निकाल लिया 10,000, लेकिन किसमें आया वाट में आया, लेकिन वाट को हमें किलो वाट में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर किलो वाट में वैल्यू दी है, तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 10 किलो वाट आ गया। अब पावर कंजप्शन इन 1 आवर्स में निकालना है, कितना पावर कंजप्शन इन 1 आवर्स, तो क्या कैसे निकालेंगे टाइम इंटू पावर, मतलब टाइम जो भी हमारा लग रहा है इंटू पावर, पावर कितनी लग रही है 10 किलो वाट, टाइम कितना है 1 आवर्स में, तो हम 1 आवर्स में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलो वाट आवर्स आ गया। 1 किलो वाट आवर्स में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ 1 रुपए किलो वाट आवर्स में दिया है। अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंटू टोटल पावर कंज्यूम निकालना है, तो जाते इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितने दिए यहाँ पर 1 रुपए किलो वाट पर आवर्स दिया, तो 1 रुपए किलो वाट पर आवर्स दिया, टोटल कंजप्शन कितना 10 किलो वाट आवर्स, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया किलो वाट आवर्स से, किलो वाट आवर्स कैंसिल हो गया, 10 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 10 रुपए, तो इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया वेल्डिंग गति 10 मीटर पर आवर्स दिया, ठीक है। वेल्डिंग की स्पीड दी है 1 आवर्स में 10 मीटर वेल्डिंग होती है, विद्युत पावर दिया कितना 200 एम्पियर 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है 1 रुपए पर किलोवाट की इसमें रेट दिया हुआ है, हमें कितना निकालना है 1 मीटर वेल्ड लंबाई के लिए कितना खर्चा आएगा 1 मीटर वेल्ड लंबाई के लिए, याद रखें। तो हम जो फॉर्मूला क्या बना लेते हैं कॉस्ट रेट पर किलो kWh, क्योंकि kWh में यहाँ पर दिया है रेट, इंटू क्या है 1 मीटर लेंथ में पावर कंजप्शन कितना आ रहा है वही निकालना है,
1 मीटर लेंथ के लिए पावर कंजप्शन कैसे निकालेंगे, जो डाटा दिया है बेंडिंग स्पीड दी है 10 मीटर पर आवर्स। अब यहां पर इससे हमें पता चलता है कि 1 मीटर में तय की गई वेल्डिंग की स्पीड कितनी है, वेल्डिंग की दूरी कितनी है 10 मीटर। अब यहां 1 मीटर में अगर हमें निकालना कितनी आवर्स लगते हैं तो 10 का भाग क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 मीटर में लगा समय कितना हो जाएगा 1/10 आवर्स। ठीक है, अभी तो समय आ गया, हमें पता पड़ गया 1 मीटर लेंथ में समय कितना लगा। अब हमें पावर कंजप्शन पता होना चाहिए जब 1 किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए kWh, तो B into I होता, हम जहां पावर बता चुके हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट हो जाएगा, वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो किलोवाट हो गया। अब हमें किलोवाट आवर्स बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो कि 1 मीटर लेंथ में पावर कंजप्शन कितनी है, 1 मीटर लेंथ में पावर कंजप्शन कितनी है, तो 1 मीटर लेंथ में कितनी समय लग रहा है 1/10 आवर्स, तो यहां पर 1/10 आवर्स लिख दिया इनटू के जो हमारा पावर आई उसको लिख दिया, ये क्या हुआ 10 से 10 कट गया, आवर्स से kW में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 1 किलोवाट आवर्स आ गया, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना पावर लग रहा है 1 किलोवाट आवर्स। अब हमें सीधा क्या निकालना है, इसका रेट निकालना है, तो रेट निकालना आपको हम पहले ही बता चुके हैं, फॉर्मूला बता चुके थे, कॉस्ट पर किलोवाट रेट दिया, टोटल पावर कंजप्शन दिया, तो 1 रुपए दिया हुआ है, रुपए 1 किलोवाट आवर्स, और ये हमारी टोटल कंजप्शन कितना आ रहा है 1 किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स से किलोवाट आवर्स कैंसिल हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 रुपया आ गया। इस तरह ये वेल्डिंग की कुछ न्यूमेरिकल है, अगर 1-2 बार आप इनको समझ लेते हैं जैसे मैंने समझाने की कोशिश की सभी समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ये फोर्जिंग शॉप से रिलेटेड लिखा हुआ था, वेट ऑफ अ कंपोनेंट 100 ग्राम्स दिया है, द साइज डिस्काउंट, याद रखें साइज का डिस्काउंट दिया 5% एंड टोटल लॉस दिया 7%, इससे हमें क्या निकालना है, जो भी टोटल जो इसका जो ग्रॉस वेट है उसको निकालना। सबसे पहले जो डाटा के माने कंपोनेंट 100 ग्राम दिया है, साइज डिस्काउंट दिया 5%, टोटल लॉस दिया 7%, याद रखें टोटल लॉस होता है ये पूरे वेट पर, जो पूरा कंपोनेंट होता है, पूरा कंपोनेंट के लिए सबसे पहले हमें साइज को काउंट करना पड़ेगा, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंपोनेंट का वेट है बिना किसी लॉस की तो वो निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ कंपोनेंट प्लस 5% साइज डिस्काउंट वेट का, तो 100 हो गया, प्लस 100 में प्लस करना किसका 100 के परसेंटेज का, 100 इंटू 5%, ठीक है, मतलब 100 का 5%, तो 100 हो गया प्लस 100 का 5%, 100 प्लस 100 5 का परसेंटेज में हटाएंगे तो 100 का डिवाइड हो जाएगा, इसको जब इसमें से इसको कट करेंगे 100 से 100 5 बचेगा, 5 को इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 105 ग्राम आ जाएगा, मतलब हमारा जो टोटल कंपोनेंट का जो साइज डिस्काउंट साइज कितना होगा 105, अभी 105 पे लॉस हो रहा है, 105 का हम क्या निकालेंगे 7% निकालेंगे, तो 105 का 7% यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया है, आप देख सकते हैं क्या किया, जो टोटल लॉस कंपोनेंट का वेट निकालना है विथ लॉस, तो 105 प्लस टोटल लॉस 7%, 105 प्लस 105 का 7%, तो 105 कर दिया प्लस 105 का 7% निकालेंगे, तो इसमें 105 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 105 में प्लस कर देंगे, तो 112.35 ग्राम आ जाएगी, ये ऑप्शन में होगा तो इसको टिक कर देंगे हम, या इसके आसपास होगा उसको भी टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका न्यूमेरिकल था, इस तरह के न्यूमेरिकल लॉसेस के पूछे जाते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन में। अब इसके बाद जो पैटर्न वाला चैप्टर है उसकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट है फाउंड्री शॉप से रिलेटेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बोल्ट का सिरा है, उसका डायमीटर दिया है 100 mm, उसकी कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस छूट दी है वो कितनी दी है 20 mm पर मीटर, और मशीनिंग छूट दी है 2 mm, तो इन दोनों को जो टोटल डायमीटर था उसकी छूटे निकाल के हमें ऐड करना है। कैसे निकालेंगे, डायमीटर और बोल्ट का हेड का पैटर्न बनाना है, तो हमें डायमीटर हेड रहेगा, जो हेड का डायमीटर वो रहेगा, प्लस हम क्या करेंगे जो कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस दिया उसको प्लस करेंगे, प्लस मशीनिंग अलाउंस करेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं देखिए, डायमीटर ऑफ हेड 100 दिया हुआ है, ठीक है निकालिए, प्लस कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस जो डायमीटर है उस पर निकालेंगे, डायमीटर कितना है 100 mm, इसका 20 mm पर मीटर निकालेंगे, कितना निकालेंगे 20 mm पर मीटर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 mm इंटू 20 mm पर मीटर, याद रखें मीटर को भी हमें किसने mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी मीटर मीटर एक दूसरे से कैंसिल होंगे, हमने क्या किया मीटर को mm में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया इस मीटर, तो ये भी mm में चेंज हो गया, अब mm से mm कैंसिल हो जाएगी, और जो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, 0 कर जाएगा, एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस कितना आएगा 2 mm आ गया। अब डायमीटर कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है याद रखें कैसा है सर्कुलर, तो मशीनिंग अलाउंस कैसे निकालते हैं, मशीनिंग अलाउंस हमेशा जब कितना हम ले रहे हैं 2 mm ले रहे हैं, एक साइड 2 mm होगा, कभी भी किसी चीज को सर्कुलर काटते हैं तो डबल हमेशा कटता है, मतलब
डबल लॉस होता है या डबल कटेगा, ठीक है, सर्कुलर चीप काटेंगे, क्योंकि मूव होगा तो एक साइड 2 mm जाएगा, दूसरी साइड भी 2 mm हो जाएगा, तो एक साथ कितना कम हो जाएगा, उसका डबल कम होगा। तो यहाँ पर 2 mm मशीनिंग अलाउंस ले रहे हैं, तो कम कितना होगा, 4 mm कम होगा, तो इसलिए हमने 2 mm प्लस 2 mm कर दिया। हमेशा याद रखें, सर्कुलर चीज को कट करते हैं हम तो कितना कम होगा, डबल कम होगा, ठीक है, 2 mm प्लस 2 mm 4 mm हो गया। अब डायमीटर बोल्ट हेड का सबको ऐड कर दिया, 2 mm मशीनिंग कॉन्ट्रक्शन अलाउंस आया, 4 mm मशीनिंग अलाउंस सभी को ऐड कर दिया, तो 106 mm जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसी तरह का है, लेकिन इसमें इंटरनल की बात की गई, दिया है जो भी हमारा वर्क पीस है उसका जो अंदर होल है उसका 100 mm डायमीटर दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस सेम दिया 20 mm पर मीटर और मशीनिंग अलाउंस भी सेम दिया 2 mm। अंदर की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें जो भी अलाउंस देते हैं वह निगेटिव देते हैं, कैसे देते हैं, निगेटिव देते हैं, हमेशा जो डायमीटर दिया उसमें कम देंगे, जिससे कि वो जब भी इनलार्ज हो तो क्या हो, उतना हम क्या करें जब उसको कट करेंगे उतना कम हो सके, इसलिए हम हमेशा क्या देते हैं, निगेटिव देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वही फॉर्मूला रहेगा डायमीटर ऑफ होल, इंटरनल की बात करेंगे याद रखते हैं जब अंदर देना है अलाउंसेस तो माइनस देंगे, तो इसलिए हमने माइनस कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस कर दिया और मशीनिंग अलाउंस कर दिया। तो यहाँ डायमीटर ऑफ होल 100 mm दिया है, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस वैसे ही निकालेंगे, जो डायमीटर दिया 100 mm इंटू 20 mm पर मीटर दिया है, 20 mm पर मीटर, मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया, mm में कन्वर्ट हो गया, mm से mm कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 mm बचेगा, ठीक है, 2 mm बचेगा। तो आगे क्या, मशीनिंग अलाउंस जैसा मैंने बताया, सर्कुलर कोई सर्कुलर डायमीटर है तो उसको कट करेंगे तो हमेशा डबल कम होता है, 2 mm प्लस 2 mm हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। अब हमें डायमीटर ऑफ कोर का निकालना, इंटरनल जो कोर है उसको डायमीटर निकालना, तो दोनों को माइनस कर दिया जो अलाउंसेस है, तो 94 mm आंसर आ गया। अब बचे हुए न्यूमेरिकल, एक और लास्ट न्यूमेरिकल और है उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है, इफ द वेट ऑफ पैटर्न इज 1 kg एंड द वेट ऑफ फैक्टर 5 दिया, देन द वेट ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का वेट निकालना, वेट ऑफ कास्टिंग का निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ पैटर्न इंटू वेट फैक्टर, वेट ऑफ पैटर्न इंटू वेट फैक्टर एक फॉर्मूला होता है। तो वेट ऑफ पैटर्न दिया 1 kg, फैक्टर दिया 5, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 kg हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने न्यूमेरिकल लिए थे कि इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। यदि आपको फॉर्मूले और थोड़े से हमारे जो भी वीडियो में डाल चुका हूँ वह आपने देखे होंगे तो सभी आपका पेपर आसानी से अच्छा हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट समझाने की कोशिश की जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी आज मैंने कंसेप्ट कराने की कोशिश की वो समझाने की कोशिश की। सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इसको आप बार बार देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।